नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो जैसा कि थंबनेल आप देखे होंगे कि एमटीएस का पूरी रणनीति का बात करेंगे कि आखिर इसका रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता हो है और बार बार हम भी बोलते हैं कि केवल मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता और केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक एक्चुअल रणनीति, अच्छा रणनीति पे अगर हम काम करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा तैयारी जो है कैसे करेंगे कि हम मेरिट तक पहुंच पाए, हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो अभी एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज आइए धीरे धीरे करके बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मेहनत करने से सफलता मिलता तो सबसे अधिक सफल मजदूर होता जो पूरा दिन 5 मंजिले पे ईंट चढ़ाता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा रिटेन एग्जाम होगा वो 2 सेक्शन में होगा, ठीक है? सेशन वन जो होगा वो 45 मिनट का होगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। सेशन टू जो होगा 45 मिनट्स का होगा और 25-25 क्वेश्चन दोनों के होंगे, इंग्लिश और जीके के, और हमारा 45 मिनट का होगा। मेरा मेन टारगेट इसी पे रहेगा कि इसमें हमारा 75 में 75 कैसे स्कोर कर ले। अगर इसमें स्कोर कर लेते हैं तो फिर मजा आ जाए, क्योंकि मेरिट इसी से बनना है। जो निगेटिव मार्किंग होगा वो सेशन वन में आपका निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और सेशन टू में 1 नंबर हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके काटे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है तो हम उसको कैसे कंप्लीट कर ले, कि क्वालिफाइंग से अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले, क्योंकि मिनिमम मार्क्स 30% लाना होता है। अगर ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगा तो फिर 30% से ज्यादा भी वो कट ऑफ ले जा सकते हैं सेशन वन में भी। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 30% पे ही आपको क्वालिफाई कर ही देंगे। अगर ज्यादा लड़के रहेंगे और अगर 60% से ज्यादा उनके उनको जितना सेशन वन में जितने लड़कों को सिलेक्ट करना है, और अगर ऐसा होता है कि 60% उतना लड़के उनको मिल जा रहे हैं तो सेशन वन का क्वालिफाई 60% भी कर सकते हैं। इसीलिए सेशन वन में भी हम अच्छा स्कोर करेंगे और सेशन टू तो मेरिट बनेगा, इसमें करना ही है। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, आ जाइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग आप कैसे तैयार करेंगे, हम उनके लिए बात करेंगे जो एकदम फ्रेशर हैं, और उनके लिए भी बात करेंगे जिनका तैयारी सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए भी। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए कुछ नहीं करना है, वो सबसे पहले बेसिक चैप्टर वाइज एक बार कॉन्सेप्चुअली पढ़ लें। बेसिक जो है चैप्टर वाइज, मतलब कि हर एक चैप्टर का आप जान जाएं कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं और वो कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आप जो अभी तक 10th क्लास में पढ़ के आए होते हैं और यहाँ का सॉल्यूशन, दोनों में आकाश जमीन का अंतर होता है। तो एक बार आप बेसिक चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कर लें, चाहे जहां से भी आपसे पॉसिबल हो। अगर यूट्यूब से आप कर पा रहे हैं तो हम यूट्यूब पे हम भी करवा रहे हैं, लगातार आपका टॉपिक्स आ रहा है ईजीवे एसआरओ चैनल पे, इसी चैनल पे और ईजीवे ग्लोबल चैनल पे, दोनों पे हमारा टॉपिक आ रहा है। कल आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इस पे कल आ जाएगा। नंबर सिस्टम आपका ईजीवे ग्लोबल पे आ चुका है, उस पे भी लगातार आ रहा है, तो आप यहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे तो वहां से भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको, जो बशर्ते कि आपको गाइडेंस पता होना चाहिए कि जो गाइड करने वाला है वो सही है। तो एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है बेसिक, बेसिकली ऐसा नहीं कि पूरा मैथ आप सीजीएल लेवल का पढ़ने लगे तो पता चला कि साल भर आप मैथ पढ़ते रहे, 2-2.5-3 महीने में एग्जाम है। तो इसको टारगेट रखिए कि 1-1.5 महीने में आपका ओवरऑल कहीं से वीओडी मिल जाए, बैच जहां वीओडी मिल जाए वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं या यूट्यूब से कर सकते हैं। दूसरा है आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को करने का अप्रोच आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो अभी जो मई में एग्जाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन हम लगातार इसी चैनल पे करवा रहे हैं, आप देख पाएंगे प्लेलिस्ट में कि एमटीएस मैथ क्वेश्चन करके हैं, उसमें मैथ का क्वेश्चन लगातार लगवा रहे हैं। आप डेली सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, 10:05 पे एमटीएस का क्वेश्चन करवाया जाता है, अभी जो मई में एग्जाम हुआ है। रीजनिंग में भी सेम आप कर सकते हैं कि एक बार ओवरऑल सिलेबस पढ़ ले ऊपर ऊपर, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम जीके और इंग्लिश का भी बात कर लेंगे कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। तो इंग्लिश को पढ़ना है, यहाँ पे इंग्लिश आपका जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश और जीके पे ही मेरिट बनेगा। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो इंग्लिश हमारा 2 पोर्शन में, एक ग्रामर और एक वोकैब, ठीक है? तो सबसे पहले ग्रामर जो है या तो कहीं बुक से आप पढ़ लें, ठीक है, या तो कहीं बुक से आप पूरा ग्रामर एक बार अच्छे से पढ़ लें फटाफट थ्रोली, या फिर अगर कहीं चैनल यूट्यूब चैनल से आपको कहीं पढ़ाया जा रहा है वहां पे पढ़ सकते हैं। इस चैनल पे भी लगातार सर करवा रहे हैं इंग्लिश वाले एमटीएस का क्वेश्चन, तो वह प्रीवियस ईयर के काम आ जाएगा, ठीक है? वो अभी बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, तो
तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, और रहा बात वोकैब का, तो वोकैब में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वोकैब में आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधा प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक उठाओगे और उसको रटना शुरू कर दोगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। जो आप देखते हो कि याद करवाने की गारंटी हमारी, वो कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये सर करवा रहे हैं, वोकैब भी करवा रहे हैं, आप वहां पे देख सकते हो कि कैसे आते हैं, और वहां से भी डेली वाइज लिख के आप याद कर सकते हो। उसके लिए वोकैब आपको कंप्लीट करने के लिए एक ही तरीका है कि आपका डेली होना चाहिए। डेली सबसे सुबह में सबसे पहला काम करो कि वोकैब पे काम करो। वोकैब में आपका वन वर्ड होगा, तो मान के चलो डेली आप 20-25 याद कर लो, डेली का रखो, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, डेली 10-10, 20-20 याद करो, आपका काम बन जाएगा। और इतना करने के बाद आप एक प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक ले लो और उसका लगातार लगाना शुरू कर दो, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में आप 75 मार्क्स में आपका 50+ 60+ आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। और एमटीएस का जो जॉब है एक अच्छा जॉब में माना जाता है, क्योंकि आप ये सिविल में आ रहते हैं, और सिविल में मंडे टू फ्राइडे 90% केस में मंडे टू फ्राइडे ही इसका जॉब होता है। सैटरडे संडे आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीके का ले लें, तो जीके में क्या होगा, तो जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, आप इसमें अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो जीके में अगर देखें तो जनरल नॉलेज हो जाता है, साइंस हो जाता है, और करेंट अफेयर हो जाता है। करेंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक बुक ले लें, ठीक है, और बुक लेके इसको रट जाए, कोई भी एक बुक ले ले जो पिछला 6 महीने 8 महीने का दिया हो उसमें, और उस बुक को लगातार थोड़ी पढ़े। किसी एक यूट्यूब पे किसी एक का वीडियो टारगेट रखें, उसका डेली देखना है, उसको करना है। इतना काम करेंट के लिए कीजिए। साइंस के लिए और जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर भी इस चैनल पे करवा रहे हैं, आप वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हो, और आप उसको पूरा याद करने में काम लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि हम प्रॉपर हिस्ट्री पढ़े, प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़े, तो अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में इसका फिर एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। तो 2-3 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप याद करें, और उसके बाद आपका जब इतना करने के बाद हो जाता है तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाए, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएं। क्या करें, मॉक टेस्ट जितना हो सके पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं, इससे यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा, ये मॉक टेस्ट जो है यही आपका सिलेक्शन दिलवाए। तो मॉक टेस्ट डेली एक लगाएं, शुरू में स्टार्ट करें, जो मई में अभी हुआ है एग्जाम इसका सारा क्वेश्चन लगा जाए, इसके बाद पिछला साल जो एग्जाम हुआ उसका सारा क्वेश्चन लगा जाए, उसके बाद आप कहीं आगे मूव कर सकते हैं, पीछे का उठा सकते हैं। पहले 2 साल का सारा सेट जो है, जितने भी सेट में एग्जाम हुए वो सारा सेट लगा जाइए, इतना में आपका काम हो जाएगा। रहा बात अब टाइम टेबल का, तो टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक टॉपर्स होते हैं, जो सेलेक्टर होते हैं, हमारा टाइम टेबल क्या होता था उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि उनका टाइम टेबल कैसे होता है। तो अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखते होंगे या किसी का भी, हमसे भी अगर बात करेंगे, तो हमने कभी एक फिक्स रिजिड रूटीन नहीं बनाया कि हमारा ये टाइम टेबल है, हम इस टाइम पे पढ़ेंगे, इस टाइम पे ही करेंगे। हमारा डेली वाइज प्लान होता है, क्या होता है, डेली वाइज प्लान बनता है, डेली वाइज प्लान बनता है, बात समझ में आ रहा है, डेली वाइज प्लान। अब डेली वाइज प्लान का मतलब क्या है, तो सिंपल सा एक छोटा सा बात आपको हम बता दें कि आप जो जन्म लिए हैं, इंसान में जन्म लिए हैं, जानवर में जन्म नहीं लिए हैं। जानवर को इस खूंटे से बांधा जाता है, फिर टाइम से उस खूंटे पे ले जाते हैं, फिर टाइम से इस खूंटे पे। आप इंसान लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रिजिड रूटीन बना लिए कि हम 6 बजे उठेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, 10 बजे से ही काम करेंगे, 12 बजे से ही काम करेंगे, ऐसा हर डे संभव नहीं है। पता चला कि 10 बजे 8 बजे पढ़ने बैठे, 9 बजे पापा का प्लान है कि मार्केट जाना है, तो उस दिन पढ़ाई गोल हो गया, क्योंकि आगे का कोई प्लान ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा डेली वाइज प्लान होना चाहिए। डेली रात में आपको अपना प्लान बना लेना है कि हमको कल सुबह क्या करना है। कल सुबह अगर हम 7 बजे उठते हैं तो 7 AM में उठेंगे, तो उसके बाद 7 से 9 में हमारे पास कोई काम नहीं है, तो 7 से 9 बजे तक 7 से 9 AM में हम मैथ बना लेंगे। उसके बाद हमारा 9 से 10 घर का कोई काम है तो उसको हम निपटा देंगे। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारा कोई काम नहीं है तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे, जीके को। तो इस तरह से आपका डेली प्लान बनना चाहिए। पता चला कि किस दिन घर वालों के साथ मार्केट जाना है तो उस दिन हम अपना प्लान में ही लिख देंगे कि हमको शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मार्केट में रहना है। इससे आपके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका मार्केट जाने का प्लान हो जाएगा 4 से 7 में, तो आप और जो टाइम बर्बाद करते हो, इधर उधर कहीं और जाते हो, तो वो टाइम आप वहां पे शिफ्ट कर दोगे जब सोचोगे तब, क्योंकि सोचना जरूरी होता है, आत्मचिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आत्मचिंतन नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस गली जा रहे हो, ठीक है।
तो इसलिए आपको आत्मचिंतन करना जरूरी है, डेली वाइज प्लान बनाओ और उस पर फोकस करो। शुरुआत में आपको लगेगा कि पूरा हम प्लान बना रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन तक आपका कोई गारंटी नहीं कि 100% आप अपने प्लान पे काम कर पाओगे, लेकिन 10 दिन के बाद अगर हमें दिन आप 90% तक पहुंच जाओगे और एक समय आएगा कि आप उस प्लान के हिसाब से चलने लगोगे, और 30 दिन में अगर 30 दिन तक ये प्लान फॉलो कर लिए तो इस बात की गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। सिलेक्शन तो बाद में होगा क्योंकि सिलेक्शन होने से पहले आपको उस योग्य बनना होगा, और अगर 30 दिन आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं प्लान बना करके डेली वाइज, तो आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। आप उस योग्य हो जाएंगे कि आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर आप एमटीएस का तैयारी कर रहे हो तो जॉब ले लो, उसके बाद आप सीजीएल की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि एमटीएस का थोड़ा सा ऊपर और पढ़ लोगे तो सीजीएल का भी वही सेम चीज होता है, तो आप सीजीएल की तरफ भी मूव कर सकते हो। लेकिन एमटीएस का जॉब लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो आप पहले इस पे टारगेट करो और इस बार इसमें सिलेक्शन ले लो। बाकी यहाँ पे आपको बता दें कि ईजीवे ग्लोबल पे भी लगातार हम मैथ पढ़ा रहे हैं, और आपको ईजीवे एसआरओ पे भी, दोनों चैनल पे आपको लगातार हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का सेट करवा रहे हैं, इस पे एमटीएस का भी लगातार सेट चल रहा है, कुछ सेट सीजीएल का भी करवाए हैं। इसी चैनल पे आपको इंग्लिश का भी डेली क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का भी अल्टरनेट चल रहा है, वो भी बहुत जल्द आपका रेगुलर चलने लगेगा। तो ये सारा चीज हम आपके साथ है, सारा चीज आपको दिया जा रहा है। अब आपका काम है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो और कितना समय दे पा रहे हो, क्योंकि जब तक किसी को समय नहीं दोगे तब तक वो अपना नहीं होता है। आपको पता है अच्छे से कि किसी को भी अपना बनाना है तो उसको समय देना पड़ता है, तो इसको समय दे दो, ये पक्का आपका अपना बन जाएगा। और जिस दिन ही आपका अपना बन जाएगा ना, तो बाकी जितने छोड़ के गए हैं वो सब आपके अपने हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें लग जाइए आज से, और एमटीएस का भी फॉर्म अभी तक अगर नहीं फिल किए हैं तो जितना जल्दी हो सके भर दीजिए, क्योंकि एसएससी का सर्वर है, कभी भी डाउन जा सकता है। तो इसीलिए फॉर्म भी जल्दी भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, टाइम मत गंवाइए, क्योंकि समय ऐसा चीज है कि आप पता है आपको कि जिंदगी में अगर आप किसी चीज को परेशान कर रहे हो, किसी को बर्बाद कर रहे हो, तो वो भी आपको बर्बाद करेगा। तो समय भी सेम चीज करता है, अगर समय को आज आप बर्बाद कर रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो आपको बर्बाद करेगा तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भाई समय का बर्बाद ना करो, बस इतना ही कहेंगे कि अभी से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो कि इस बार सिलेक्शन ले लो, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं कहेंगे, पढ़िए चाहे जहां से भी अच्छा लगे, लेकिन पढ़िए, ठीक है? चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको और भी जानकारी लेकर के। बाकी इस चैनल पे हम डेली 10:05 पे सुबह में लाइव रहते हैं एमटीएस का सेट लगा करके। मिलते हैं आपसे मंडे टू फ्राइडे, मिलेंगे फिर, थैंक यू।